कल एक मैडम आती है, बहुत घबराई, बड़ी परेशान। डॉक्टर साहब देखिए, मेरे बेटे को जो है वो लड़कियों वाले लक्षण आने लगे हैं। तो वो अपने एक 13-14 साल के लड़के के साथ आई थी और लड़का बेचारा बिल्कुल शर्मिंदा, बहुत ज़्यादा एम्ब्रेसिंग फील करते हुए आया और कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो उनको मैंने समझाया कि देखिए, आपको इस तरह से रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आइए बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ। फिर उनको मैंने डिटेल में बताया कि ये क्या चीज़ है। तो एक्चुअल में ये कंडीशन होती है गायनेकोमास्ट्रिया जिसको कहते हैं। इसमें जो ब्रेस्ट का साइज़ है, इस उम्र के बच्चों में जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं, जब प्यूबर्टी की तरफ जाते हैं, तो मेल बच्चों में, लड़कों में जो ब्रेस्ट का साइज़ है, एक या दोनों बड़े हो जाते हैं, वो उनमें गांठ जैसी बन जाती है, क्योंकि इस समय कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो उनको मैंने यही समझाया कि देखिए, इसको जो लक्षण आ रहे होंगे, इसको दर्द होता होगा, गांठ होगा, छूने से दर्द महसूस होता होगा, जो निपल है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, यानी कि शर्ट भी अगर टच करती होगी तो इसको दर्द होता होगा या उसको महसूस होता होगा। तो बच्चा कहता कि हाँ सर, ये सारी चीज़ें हो रही हैं और मुझे ये काफ़ी दिनों से दिक्कत है, 2-3 हफ्ते से मैं ये महसूस कर रहा हूँ, और मैंने शर्म की वजह से किसी को नहीं बताया था। एक दोस्त को बताया तो उसने मुझे डरा दिया कि नहीं अरे, आपको तो कैंसर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, और बहुत ज़्यादा घबराया हुआ बच्चा था। और ये वीडियो बनाने का भी मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि उन सारे बच्चों को ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर इस तरह के लक्षण उनमें आते हैं तो घबराए ना। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि ये क्यों होता है, कब होता है, कैसे ठीक हो सकता है, और क्या इससे घबराने की ज़रूरत है या नहीं है। तो जनरली ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है, जब इस उम्र के बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो इसका मुख्य कारण यह है कि जो फीमेल वाला हार्मोन है जिसको एस्ट्रोजन कहते हैं, अगर उसकी मात्रा मर्दों के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए या इन बच्चों के अंदर थोड़ी ज़्यादा हो जाए और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा उतनी ज़्यादा ना बढ़े जितनी एक्चुअल में बढ़नी चाहिए, तो फिर कुछ बच्चों में ये लक्षण आ जाते हैं या ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है। अब आप कहेंगे कि मर्दों में ये औरतों वाला या फीमेल हार्मोन कैसे आ जाता है, तो ये नॉर्मल है। एक्चुअल में मर्दों के अंदर भी एस्ट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, हाँ वो बहुत कम होती है, लेकिन होती ज़रूरत है। अब अगर वो कम मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है तो ये कारण हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरी एक कंडीशन और होती है, ख़ास तौर से न्यूबॉर्न बच्चों में, और करीब 50% ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनका ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा होता है, जिनको गायनेकोमास्ट्रिया होता है न्यूबॉर्न को, क्योंकि उस समय माता का जो एस्ट्रोजन का लेवल है बच्चे के अंदर चला जाता है और बच्चों में ये एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, जो 3-4 हफ्ते में बिल्कुल अपने आप नॉर्मल हो जाता है, घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर जब प्यूबर्टी की एज में आके जब लड़कियों में उनके फीमेल करेक्टरिस्टिक्स आने लगते हैं और लड़कों में मेल करेक्टरिस्टिक्स आने लगते हैं, तो उस समय जब बदलाव होता है तो उस समय भी ये लक्षण देखे जाते हैं। पहली बात तो हो गई है। दूसरी ओर एक होता है, ओल्ड एज में भी देखा गया है, तो उसके कुछ दूसरे कारण होते हैं। दूसरे कारणों में क्या हो सकता है, कुछ इलाज या कुछ दवाइयाँ भी होती हैं, जैसे एड्स का इलाज है, कैंसर का इलाज है, या कुछ लोग जो एनाबोलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं फैट बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, उन लोगों में भी इसके लक्षण आ जाते हैं, उनमें भी गायनेकोमास्ट्रिया होने का डर हो जाता है। कीमोथेरेपी की जो दवाइयाँ होती हैं उनसे, या इवन हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनको जो कुछ दवाइयाँ चलती हैं उनसे भी एडल्ट्स में, बड़े लोगों में गायनेकोमास्ट्रिया हो सकता है। और ऐसी दवाइयाँ जो एंटी एंजाइटी या डिप्रेशन वाली दवाइयाँ होती हैं उनमें भी कुछ दवाइयों के कारण जो गायनेकोमास्ट्रिया डेवलप हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं या जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी गायनेकोमास्ट्रिया होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो हमने बात कर ली कि इसके कारण क्या होते हैं, अब बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। एक्चुअल में इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसका कोई ऐसा बहुत खास इलाज भी नहीं है जो मेडिकल मैनेजमेंट की हम बात करें। सिर्फ आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, सो दैट आपको वो काउंसिल कर दे और जो बच्चा है वो घबराए नहीं। और ख़ास तौर से वो बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसको बनाने का मकसद भी यही है कि उनके अंदर वो घबराहट ना आए। आप अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, या जो बड़े भाई बहन हैं उनसे इस बात को ज़रूर शेयर करें। अपने दोस्तों से बात ना करें, वो कल आपकी मजाक भी बना सकते हैं। हाँ, अपने बड़ों से शेयर कर लें और वो आपके फिर आपके डॉक्टर को दिखाएंगे, जिससे आपकी वो काउंसलिंग करेंगे और आपको समझा देंगे कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1.5-2 साल में अपने आप ही ठीक हो जाता है जब आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगता है या आप जब बड़े होने लगते हैं। लेकिन अगर 1.5-2 साल में भी ठीक नहीं होता है, आपको परेशान करता है, साइज़ बढ़ा जाता है, दर्द होता है, तो फिर उसका भी एक परमानेंट इलाज है। फिर उसके लिए एक छोटी सी सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो एक्स्ट्रा टिश्यूज़ हैं उनको निकाल दिया जाता है, जिसको मिस्टेक्टमी के नाम से जाना जाता है। बहुत आम सर्जरी है, उसमें एसपी कोई ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे लोग जिनके बच्चों को ये दिक्कत है उनको ज़रूर इस वीडियो को दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सो दैट इसका फ़ायदा मिले। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट आपको इस तरह के सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।